हेलो दोस्तों, मैं अनुराग झा नॉलेज प्रोवाइडर चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हम लोग हिस्ट्री के तृतीय खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका कुल जो है हिस्ट्री में 15 चैप्टर है, उसका जो है आज 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद और देहाती सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव आपके, उसको जो है डिटेल से चर्चा किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अब जो है 3 वीडियोज़ रोज़ ऑब्जेक्टिव के आएंगे, ठीक है। कुल 15 चैप्टर्स हैं, तो आपको जो है बहुत जल्दी इसको करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी वर्क शुरू हो गया है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके, ये जो है आपका शुरू करवा दिया जाएगा। और इसको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसको पूरी तरह से आपको दिया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे ही आपके ख़त्म होंगे, आपको उसका जो PDF भी है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। अब चलिए, टाइम नहीं है तो बिल्कुल नहीं, सीधे क्वेश्चन और आंसर करवाऊँगा, तो बिल्कुल एक्स्ट्रा बातें नहीं। इस्तमरारी यानी कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में, ठीक है। चार्टर एक्ट आया था उसी टाइम में जो है लागू करवा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। रैयत बाड़ी व्यवस्था में भारत के निम्न भाग में नहीं थी, तो क्या थी? रैयत बाड़ी व्यवस्था जो कहाँ पर नहीं लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में नहीं हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उपनिवेशिक भूमि का 30% भाग किस भू राजस्व व्यवस्था का अंग नहीं था, ठीक है। तो 30% भाग जो है किस भू राजस्व व्यवस्था का अंग नहीं था? तो आपको पता होगा कि महलवाड़ी बंदोबस्त जो है इसमें जो है 30% नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, दक्कन राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दक्कन राहत अधिनियम जो है आपका 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, बुकनान कौन था, ठीक है। तो बुकनान जो है आपका हो जाएगा चिकित्सक भी थे और सर्वेक्षक भी थे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अहम विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो अहम विद्रोह जो है आपका 1828 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण किए थे। कौन किए थे? गंगा नारायण। विद्रोह तो निश्चित रूप से ही पूछता है, तो इसको भी आप VVI, और दोस्तों जो VVI क्वेश्चन है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गुरु गोविंद का संबंध किस आंदोलन से है? तो गुरु गोविंद, आपको पता होगा कि गुरु गोविंद भील आंदोलन से संबंध है गुरु गोविंद का। नेक्स्ट है आपका, कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड देखिए, ये जो है आपका 4-स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कर्नवालिस कोड जो है आपका 1793 ईस्वी में बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अधिनियम 7 भी कहते हैं, ठीक है। तो अधिनियम 7 किसको कहा जाता है? तो महलवाड़ी व्यवस्था को जो है अधिनियम 7 भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दामिन एकोह से आपका क्या आशय है? दामिन एकोह से जो है ये भूभाग के जो उच्च अधिकारी होते थे दिल्ली सल्तनत में, उसको कहा जाता था दामिन एकोह, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर किया करो, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपको पता होगा 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्कन गंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन गंगा आयोग जो है आपका 1875 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, हड़प राजनीति से किसका संबंध है? राज हड़प की नीति जो है आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और दोस्तों अगर ईस्वी सन एक बार में ना याद हो तो दोबारा से एक बार जरूर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी ना याद हो तो उसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लिया कीजिए, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगी आपको कि चीज़ें याद हो जाएंगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयत बाड़ी बंदोबस्त के जो जनक थे वो थे मुनरो और रीड, ठीक है, मुनरो और रीड। नेक्स्ट है, रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का स्वामी होते थे वो किसान होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम रैयत बाड़ी पद्धति मद्रास के किस हिस्से में लागू की गई थी? तो रैयत बाड़ी पद्धति जो है मद्रास का एक जगह था बारामहल, ठीक है। और यहाँ से जो है कुछ ये जो है यहाँ से कुछ और भी याद आ रहा है आप लोगों को? बारामहल से जो है सर्वप्रथम रैयत बाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह आप लोगों को पता होगा 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका का गृह युद्ध कब से कब तक चला था? अमेरिका का जो गृह युद्ध था वो 1861 से 1865 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्रोह सर्वप्रथम हुआ था? तो सर्वप्रथम चुआर विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी विद्रोह कब हुआ? तो खांसी विद्रोह जो है 1829 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध भगत जवाहर मल से था? तो यहाँ जो है आपका आंसर कूका आंदोलन हो जाएगा, भगत जवाहर मल जो है कूका आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि नाइकर विद्रोह की समय अवधि क्या थी? तो नाइकर विद्रोह की जो समय अवधि थी वो 1858 से 1859 थी, कि ये जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय का है। तो यहाँ जो है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।